हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेसिपी विद मधु में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आज हरी मूंग की बहुत ही टेस्टी दाल रेसिपी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने हरी मूंग को रात में भी होकर अच्छे से रख दिया था, अच्छे से बिल्कुल फूल गए हैं। मैं कुकर में इन दाल को डाल दूंगी, फिर इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। फिर इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, फिर इनको 3 सीटी लगा लूंगी, अच्छे से पकाऊंगी इसको। फिर मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी, थोड़ी सी इसमें खड़ी गरम मसाला डालूंगी, इसमें कट की हुई अदरक लहसुन डालूंगी, कट की हुई हरी मिर्च डालूंगी, 1 सूखी मिर्च डालूंगी, 1 तेज़पत्ता इसमें डालूंगी। अब फिर इनको अच्छे से मिलाकर इसको थोड़ा ब्राउन होने तक चला लूँगी, चटकने तक। अब मैं इसमें कट की हुई प्याज इसमें डाल दूँगी, इनको भी इन सभी के साथ अच्छे से ब्राउन करके इनको भून लूँगी। देखिए यहाँ पर हमारी प्याज भून चुकी है, इसको थोड़ी देर और पकाना है थोड़ा सा हल्का। अब मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और फिर इन सभी को अच्छे से मैं मिला लूंगी, प्याज के साथ इनको अच्छे से भून लूंगी। फिर इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश कर डालूंगी, इससे इसका दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अब इनको अच्छे से चला लेंगे। फिर मैंने जो हरी मूंग की दाल इस यहाँ पर पक गए हमारे अच्छे से, इनको इसके ऊपर डाल के मिला लूंगी मसालों के साथ। अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं जितना हमें पानी डालना है उसके हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी। आप सब भी अपने हिसाब से पानी दाल में डालिएगा और इनको अच्छे से थोड़ी देर तक चलाते रहूंगी। फिर इसमें मैं टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी और इनको साथ में मिलाकर चला लूंगी। फिर 1 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी और इनको साथ में मिलाकर चला लूंगी। थोड़ी देर तक इसी से चलाते हुए इसको पकने दूंगी मैं। ये देखिए हमारे जो हरी मूंग की दाल ये पक चुके अच्छे से, ये देखिए। थोड़ी देर में और पकाऊंगी इसको और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके अच्छे से चला लूंगी। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी दाल है और बहुत ही फायदेमंद ये दाल है और ये बहुत ही आसानी से दाल बन जाती है। ये देखिए हमारी हरी मूंग की दाल बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं ये दाल, ज़्यादा समय नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद ये दाल है। आप सभी इस दाल को ज़रूर बनाइएगा।